मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी हमें भी गोद ले लेने, फायदा क्या है उनके साथ होके। इंडिया का पासपोर्ट देखो, उनका इकोनॉमी देखो, उनके लोग अलग ही लेवल है उनका। हमारे लोग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अरे ना बनो पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुस्लिम शहबाज को छोड़कर मोदी से मांग रहा है मदद, बोला मोदी जी हमको भी गोद ले लीजिए वरना जी नहीं पाएंगे, आपका मुल्क दुनिया पर कर रहा है राज, प्लीज हमें अपना लो आज। अभी हाल ही में पाकिस्तानी सिंधी हिंदू की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई थी कि हमारी बहन बेटियों को बचा लीजिए। हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में गुजरे हुए 12 सालों में कोई 13 से 14 हजार लड़कियों का मजहब बदला गया है। 2 दिन पहले 1 दिन के अंदर 6 हिंदू लड़कियों का मजहब बदला गया। हम कुछ कर भी नहीं सकते और हम चाहते भी नहीं है कि आप हमारी वजह से पाकिस्तान से कोई फट डाले, हमारा मकसद ये नहीं। हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि प्लीज़ ये जो पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हैं माइग्रेशन के लिए या इंडिया एज अ रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार होते हैं ये तो पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी ही अपनी कौम की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की हालत वैसे किसी से छिपी नहीं है। पाक पीएम शहबाज शरीफ कई मुल्कों के आगे कटोरा फैला चुके हैं मगर मिला कुछ नहीं। पाकिस्तान जिनको अपना सगा मानता था उन्होंने भी साथ नहीं दिया। आम आदमी बेहाल है, आटे के लाले पड़े हुए हैं। राजनीतिक स्थिति तो ऐसी है कि नेता एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। अब पाकिस्तान का एक शख्स पीएम मोदी से बोल रहा है कि पाकिस्तान को भी भारत में ही विलय करा लो। तो आप भी देखिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। हो रहा है, बख्श दो यार कश्मीरियों को। वो दुनिया के एक ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले जमाने में पूरी दुनिया पे हुकूमत करके कर रहे हैं। कश्मीर ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले वक्तों में दुनिया का बाप बनने वाला है। अमेरिका को लीड कर रहा है, यूके को लीड कर रहा है, पूरी दुनिया को। ऐसी कौम जो ऐसी चीजों में बिजी है, आईटी कारोबार प्रोडक्टिव, हमारी कौम गुलामी में और टट्टी में बिजी है बिरयानी। हमारी कौम सोच रही है कि बिरयानी का टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, चपली कबाब का टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, ए सलाद कैसे, चना चाट, ये ककड़ी मकड़ी, ये हमारे कौम की पिछवाड़े से जो है उन्हें टट्टी निकलती है। ऐसे कौम है जिनके पिछवाड़े से सोना निकलता है। वाह, ले मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी हमें भी गोद ले लेने, फायदा क्या है उनके साथ होके। इंडिया का पासपोर्ट देखो, उनका इकोनॉमी देखो, उनके लोग अलग ही लेवल है उनका। हमारे लोग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अरे ना बनो पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान बन गई नेक्स्ट डे हमने तुमको लीज पे देना है किसी को, वो खुद भिखारी गरीब पता है। पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी हुक्मरान और मुल्क गरीब, और गरीब दोस्ती हमेशा अमीर से क्यों करता है? ताकि कलीस की माँ बीमार हो जाए, जान गाड़ी की चाबी दो, माँ बीमार है, मोटरसाइकिल की चाबी दो, हमेशा ताकि कुछ मांगे। अब हमारे भिखारी हुक्मरान ट्वीट पे अम शेख अल मख्तूम पख्तूम शख्तूम को जो है मुबारक बात देते हैं, क्यों ये चमचा मस्का, ताकि कल जाके हम उनसे खुबस भीख मांग सके। कामयाब कौमें दोस्ती नहीं करती, वो ट्रेड करते हैं, कारोबार करते हैं। भाई अगर तुम ये चीज लेना नहीं लेना, ओके मैं दूसरे पे भेज दूंगा, जस्ट गेट आउट, दैट्स इट।